नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक बार फिर हाजिर हूं मेरा गांव मेरा देश में खास मुद्दा लेकर, जो सिर्फ मुद्दा नहीं है, किसी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो किसी है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ये प्रोजेक्ट नाम नमामि गंगे। साल 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना शुरू की थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वाराणसी गए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा माँ ने उन्हें बुलाया है। जब उनकी सरकार बनी तो ये उम्मीद जगी कि अब शायद गंगा को बचाने के लिए गंभीर कोशिशें की जाएंगी। इस योजना को 8 साल से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन गंगा का मैल अभी तक नहीं धुला है। नमामि गंगे योजना के तहत अलकनंदा नदी किनारे यात्रियों और पर्यटकों के लिए बनाए गए घाट पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं और घाटों में नदी का मलबा भरा हुआ है। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन घाटों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं बरसाती सीजन में भी, जब जब बरसाती सीजन आता है तो इसके गुजरने के 6 महीने बाद भी इन घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। क्या वजह है इसके पीछे, देखिए खास रिपोर्ट। क्यों गंगा हो रही मैली, क्यों नहीं हो रही कोई सफाई, घाटों में नदी तक भरा है मलबा। 3 मई से शुरू है चार धाम यात्रा, प्रशासन दे रहा सिर्फ आश्वासन। साल 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना शुरू की थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाराणसी गए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। जब उनकी सरकार बनी तो ये उम्मीद जगी कि अब शायद गंगा को बचाने के लिए गंभीर कोशिशें की जाएंगी। इस योजना को 8 साल हो चुके हैं लेकिन गंगा का मैल अभी तक नहीं धुला है। नमामि गंगे योजना के तहत अलकनंदा नदी किनारे यात्रियों और पर्यटकों के लिए बनाए गए घाट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और घाटों में नदी का मलबा भरा हुआ है। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन घाटों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं बरसाती सीजन गुजरने के 6 महीने बाद भी इन घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। वहीं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदियों का भी संगम है। रुद्रप्रयाग शहर अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। नदी को भव्यता देने और देश विदेश से पहुंचने वाले यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से कुछ साल पहले अलकनंदा नदी किनारे घाटों का निर्माण किया था लेकिन कुछ ही सालों में घाट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हर साल बरसाती सीजन में नदी किनारे स्थित घाटों में मलबा जम जाता है और घाट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वही इस मामले को लेकर जब हमने नगरपालिका से बात की तो वो पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल आपका सही कहना है कि घाटों का जो भरान हो चुका है क्योंकि हमेशा जब भी बरसात के समय में पूरा चारों ओर जितने भी घाट बने हैं सब में रेता भर जाता है और रेत के साथ साथ गंदगी भी पहुंच जाती है। तो इस विषय में नगरपालिका को हमने भी अवगत करा चुके हैं कि जल्द से जल्द इन घाटों की सफाई की जाए ताकि आने वाले जो यात्री लोग हैं उनको वो घाटों का आनंद ले सकें और माँ गंगा के किनारे आराम से बैठकर अपना भजन कीर्तन कर सकें। बता दें कि आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। लाखों की संख्या में पर्यटक रुद्रप्रयाग पहुंचकर इन घाटों का रुख करेंगे लेकिन घाटों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो ये तस्वीरें देखी आपने, नमामि गंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और उम्मीद जगी 8 साल पहले कि एक व्यक्ति विशेष आया है, वो व्यक्ति विशेष अब गंगा को पूरी तरह से निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा। जो गंगा मैली होती जा रही है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो यहाँ के लोग जो स्थानीय निवासी हैं वो बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जो नदियाँ हैं वहाँ पर मलबा इकट्ठा हो जाता है, जो घाट बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। और मेरे सहयोगी पुष्कर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक करूंगी। पुष्कर, लगातार कोशिश की जा रही है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती है, खासकर कि रुद्रप्रयाग में जहां से गंगा की शुरुआत हुई है वहीं पर ऐसे हालात, वहीं पर ऐसी स्थिति।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सब नदियों के घाट जो है स्वच्छ किए जाएं, साफ किए जाएं, भले ही नमामि गंगे ने यहाँ पे काम जरूर किया है, चाहे रुद्रप्रयाग जिले की अगर बात करी जाए तो रुद्रप्रयाग जिले का जो 2 करोड़ से ऊपर यानी 2.5 करोड़ के करीब का ये यहाँ पे जो है खर्चा हुआ है, लेकिन आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ की हकीकत क्या है, क्योंकि अलकनंदा नदी और भागीरथी जो आपका जो है केदारनाथ के चरणों से जो नदी आती है तो यहाँ पे इनका संगम है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो क्योंकि जब बरसात होती है या आने वाला जो समय अप्रैल या मई या जून का समय आप देखेंगे तो ये पूरा जो नमामि गंगे के तहत जो काम यहाँ पे हुआ है ये जलमग्न हो जाता है, यानी इसके ऊपर जो है पानी जो है ऊपर तक आ जाता है, जो तस्वीरें आपने देखी होंगी। हालांकि प्रधानमंत्री का जिस तरह से कहना था कि जो हमारे जो घाट हैं या हमारे जो नदियां हैं इनको स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए, इसको लेकर जो है कवायद पे बहुत की गई, कोशिशें बहुत की गई, लेकिन धरातल पे देखने को कुछ नहीं मिलता है। हालांकि जिस तरह से लगातार जो कोशिशें जो है सरकार करती है, लेकिन जब दावे जब सामने आते हैं, धरातल पे जब जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे जब हम लोग जाते हैं, या आप लोगों ने देखा हो कि नमामि गंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे भारतवर्ष में इसका कार्य चल रहा है। हालांकि गंगा को स्वच्छ अविरल जल है तो जीवन है, इसको लेकर जो है तमाम सारे कवायद यहाँ पे किए जाते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग की एक ऐसी दशा है कि यहाँ पे इसके घाटों में जो निर्माण कार्य हुआ हो या इसके आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया कि रुद्रप्रयाग की जो तलहटी है गंगा यहाँ पे, वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं मनोज गोयल जी को, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, बार 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 रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं, आपकी बात हो पाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए अधिकारी जो है फोन स्टैंड जो उठाता कि बचने की कोशिश सब करते हैं, क्योंकि ठेकेदार तो काम करके चला गया है, जिला अधिकारी को जो है यहाँ पे काम करना है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जो है जिला अधिकारी भी करते हैं और आपका जो नगर पालिका रुद्रप्रयाग है ये भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि नमामि गंगे के तहत शहर को स्वच्छ रखना होता है, जो नदियों का जल है, नदियों में जो पानी या शिविर का पानी चला जाता है या इसको डाल देते हैं, इसको लेकर भी नमामि गंगे का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है, लेकिन अधिकारी जो है बचना चाहता है इसलिए फोन नहीं उठाता होगा, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि अधिकारियों को हमने भी फोन किया लेकिन अधिकारियों ने हमारे फोन भी नहीं उठाए, आप तो नोएडा में बैठे हुए हैं, आप तो वहां से फोन करें, लेकिन जो नजदीकी जो जनता होती है या नजदीकी जो लोग जो है संभव नजर आए हैं, और नगर पालिका में आप लगातार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम रिंग भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे और जैसे ही वो फोन उठाते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया। पुष्कर आप भी सुनिएगा, देखिए नगर पालिका को हम फोन कर रहे हैं और रिंग भी जा रही है, कोई जवाब नहीं, पुष्कर कोई जवाब नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारियों से पलटा खा रहे हैं, 8 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, 8 साल, उम्मीद थी कि गंगा पूरी तरह से स्वच्छ होगी, आसपास की नदियों को भी इससे लाभ मिलेगा, लेकिन हर साल बरसात आती है, मलबा ढेरों में नदियों किनारे इकट्ठा हो जाता है, घाटों का क्या फायदा बनवाकर जब उस घाटों का इस्तेमाल आम जनता आम नागरिक नहीं कर पा रही है। अब 3 मई से यहाँ पर यात्रा शुरू होने वाली है चारधाम, जो पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि 3 मई से जो है चारधाम यात्रा भी है, चारधाम यात्रा को लेकर जो है पूरा प्रशासन, पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरी भारत सरकार भी इस पर मॉनिटरिंग करी, हालांकि जो स्थानीय प्रशासन जो रुद्रप्रयाग का है इसको समझना होगा कि सोचना होगा कि यदि कोई आपको फोन करता है चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हो या वो जिलाधिकारी हो, कोशिश कर रहे हैं कि नगर पालिका में कोई तो फोन उठाए लेकिन कोई भी शायद वहां पर जगह नहीं है, कुंभकर्णी नींद सो रहा है इसी वजह से अब तक एक बार भी फोन नहीं उठाया है, बार बार हम कोशिश करें क्योंकि हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये तो जग जाहिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें इतना पलीता अधिकारी लगा देते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं जो जनता की मांग है वो सामने रखें, लेकिन अधिकारी बच जाते हैं। अब देखिए जिलाधिकारी को फोन कर रहे हैं तो जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, नगर पालिका में फोन मिला रहे हैं तो नगर पालिका से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाहे नगर पालिका हो चाहे जिला अधिकारी हो, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए, क्योंकि स्वच्छता को लेकर जिस तरह से जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ नदियां हो, स्वच्छ शहर हो,
कूड़े भी अलग अलग यहाँ पे गीला कूड़ा अलग आप करेंगे, सूखा कूड़ा आप करेंगे, लेकिन इसको लेकर यदि स्थानीय प्रशासन जागरूक नहीं होगा, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, तो तमाम सारे जो अधिकारी होते हैं वो फोन नहीं उठाते। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ही कहा है कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। और अधिकारियों का जो है केदारनाथ से पूर्व विधायक है मनोज रावत जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। मनोज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद। मनोज जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, हमने सुना है कि आपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार शिकायत की, कई बार आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप जब विधायक थे तब भी आपने आवाज उठाई थी? देखिए, इसको हमने न केवल संबंधित विभागों को लिखा था, बल्कि हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। और गंगा को पवित्र करने के नाम पर उसकी जो सहायक नदियों में पैसे का जो दुरुपयोग और खुली लूट हुई है, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को आप गंगा की शुरुआत, यानी जो चमोली जिले में गंगा की शुरुआत माणा और बद्रीनाथ से हो रही है से लेकर के और केदारनाथ में मंदाकिनी के मुहाने से देखेंगे, और जो विभिन्न तरह के कार्य हैं, सिर्फ घाट को ही नहीं, जो आप, मुझे लग रहा है जो चर्चा आप कर रहे हैं वो रुद्रप्रयाग के घाटों की कर रहे होंगे, कि जो 8 महीने जमीन के नीचे पानी के नीचे डूब जाते हैं और जिनका कोई न तो व्यवहारिक प्रयोग है। मनोज जी, जब आपने शिकायत की थी, आप जब विधायक थे केदारनाथ से, तो तब क्या बातचीत हो पाई थी? क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, आप कांग्रेस से विधायक थे। सरकार ने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करी, और आप जान रहे हैं कि इस देश में न तो लोकपाल नाम की संस्था है, न लोकायुक्त नाम की संस्था है, जो कि किसी भी उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की शिकायत उनसे की जाए। हमारे पास जो संबंधित प्लेटफॉर्म थे विधानसभा के या माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों के, उनको जब जब सिफारिश करी तो एक लाइन में उनका जवाब आता था कि हम जांच कर रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये तो आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार है, इसको आते जाते, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है, अगर इस तरह के मनोज जी देखिए, ये बहुत ही जो आस्था से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, मार्मिक मुद्दा है, क्योंकि माँ गंगा है, माँ गंगा का जल निर्मल है, लेकिन जिस तरह से लगातार लोग इसे दूषित कर रहे हैं, तो इसको लेकर 8 साल पहले एक मुहिम चलाई गई थी। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आपसे कह रहे हैं कि आप लगातार हमारे साथ, हमारी आवाज बनिए, ताकि विपक्ष, हम सब मिलकर, यहाँ विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, यहाँ बात है कि हमें गंगा को निर्मल करना है, वापस से स्वच्छ करना है, ताकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें भी राहत मिल सके, जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो दर्शक पहुँचते हैं, जो वहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, उनको लाभ मिल सके। तो क्या आप हमारे साथ हैं इस मुहिम में? देखिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन 2 फेज हो गए सफाई के, और जिन इंजीनियरों ने ये इस तरह के अव्यवहारिक प्रोजेक्ट बनाए हैं, इन घाटों के निर्माण का गंगा जी की सफाई के किसी किस्म का कोई संबंध नहीं है, और वो घाट जो साल के 8 महीने पानी या बालू के नीचे दब कर रहते हैं, और अब जब बालू आ जाता है तो उनको साफ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन घाटों का निर्माण करने वाला किस इंजीनियर ने, मनोज जी, हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी। पुष्कर, देखिए, अभी मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक, कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई सफाई नहीं हुई है। पुष्कर, अगर 8 सालों की हम बात करें, क्योंकि आप वहीं पर रहते हैं, आपने तो बहुत अच्छे से देखा होगा, क्या कोई भी काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? घाटों का निर्माण तो हुआ था लेकिन वो घाट भी खंडहर हो गए हैं, मनोज जी को बताइए। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनोज रावत जी एक ऐसे विधायक है, मैं आपको बता दूं कि जो संसद से लेकर और जो चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो सबके बीच रहते हैं। हालांकि जब ये घाट निर्माण हो रहा था इस पे जब जो उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पे करोड़ों का घोटाला हुआ था, लेकिन 2.5 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि 2.5 करोड़ से ऊपर के इसमें 2.5 रुपए का काम नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा इसके बाद यदि जब मई जून की हम आपको तस्वीरें भेजेंगे, जब बरसात होती है उसके बाद हम आपको तस्वीरें भेजेंगे, तो तस्वीरों से आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है या किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। हालांकि इसी से हटके जो है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो है नदी के किनारे जो है सबसे बड़ी बात है बिजली के खंभे लगाए गए थे, लेकिन आज तक उन खंभों का पता नहीं है कि कहाँ वो स्ट्रीट लाइटें गई हैं। तो आप लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का काम यहाँ पे हुआ होगा। खंडर में तब्दील है, ये बात मनोज रावत जी ने ठीक कही है कि खंडर में तब्दील सरकार है। एक बार फिर से, फिर क्यों इस प्रोजेक्ट पर इतना पलीता अधिकारी लगा रहे हैं? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये करोड़ों का फंड आता है, आखिर कहां जाता है? मनोज जी, तो मनोज जी से संपर्क टूट गया है। पुष्कर, देखिए शिकायतें बहुत हैं, शिकवे बहुत हैं। देखिए विपक्ष को तो शिकवे भी हैं, शिकायत भी है, लेकिन सवाल ये है कि हमें गंगा को एक बार फिर से स्वच्छ करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं, ये ऐसा स्रोत है जो लाखों करोड़ों लोगों को की प्यास बुझाता है। तमाम जो पानी है तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ अगर पानी दूषित होगा, उसके बाद फिर जो नदियाँ उससे मिलती हैं वो भी दूषित हो रही हैं, उसके बाद फिर नदियों के आसपास जो बालू जमा हो जाता है उन्हें नहीं हटाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब बरसाती सीजन आता है तब हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब बरसाती नाले आते हैं या जो गंदगी जो है गंगा में बह जाती है, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह के मलबा यहाँ पे आया हुआ है। इस मलबा को हटाने के लिए हमने नगर पालिका से जब खबर उठाई थी तो नगर पालिका से हमने बात करी थी कि इसको आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो नगर पालिका ने केवल आश्वासन ही दिया था कि हम इसको उठाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि आपने भी फोन किया, हमने भी फोन किया, ना तो आपका फोन उठाया ना हमारा फोन उठाया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि गंगा को स्वच्छ बनाया जाए, अविरल बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, तो इसको लेकर भी यदि स्थानीय प्रशासन यदि जागरूक होगा तो वाकई ही जो है गंगा निर्मल हो सकती है। लेकिन यदि अधिकारियों का रवैया इस तरह का रहेगा कि फोन रिसीव न करना या जनता की न सुनना या विपक्ष की न सुनना, तो तमाम सारे मुद्दे जो है, क्योंकि करोड़ों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का पैसा इस पर खर्च होता है, यदि उसका रिजल्ट सामने न आया तो ये सोचने विषय है। लेकिन हाँ, हालांकि जो है नगर पालिका ने केवल इतना कहा है कि हम इस पर सफाई करेंगे, लेकिन जब बरसात होगी तो इसका रुख आपको, इसका नजारा आपको मिलेगा, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो इसमें बहुत सारा सवाल चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम सारे लोगों ने इसका इस पे जो है विरोध किया था। हालांकि जब डबल इंजन की सरकार थी तो, लेकिन जब ठेकेदार इस पे काम करने आया था तो ठेकेदारों ने इस तरह से काम किया कि आज भी जो है पानी जो आप तारनाथ से विधायक हैं शैला रानी जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। शैला रानी जी आवाज आ रही है मेरी? और ये देखिए फोन बार बार करने की कोशिश की जा रही है, जो तबके पर है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो नगर पालिका हो और चाहे विधायक साहिबा हो। यहाँ पर ये जो अधिकारी है जिन पर जिम्मेदारी है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली गलती नगर पालिका से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, जैसा कि पुष्कर जी भी लगातार बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बार बार पुष्कर जी भी तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए वहां पर मलबा आया हुआ है लेकिन उसे हटाने का कोई काम नहीं किया गया है। 3 मई से चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो होने जा रही है, उससे पहले की ये हालात है, लेकिन बढ़ चढ़कर सामने आकर बोलते हैं कि हमने सारी तैयारियां कर ली है। पुष्कर, ऐसा ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो है काम तो कागजों में होता है, धरातल पे नहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि धरातल पे जब होता है, जब तस्वीरें जब ऐसी आती हैं आपके सामने आती हैं या हमारे सामने आती हैं, तो तस्वीरें कुछ हटके ही होती हैं। हालांकि आपने नगर पालिका हो चाहे उससे संबंधित, चाहे उसके जो वर्तमान विधायक हैं भरत चौधरी हों, चाहे आपके शैला रानी रावत हों, केवल मनोज रावत ही ने क्यों फोन उठाया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोज रावत ने ही हमारा फोन क्यों पिकअप किया, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था। हमारी खबर जब चली तो जब इनको जवाब देना पड़ता है, चाहे वो वर्तमान विधायक हो, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो आपके जो है नगर पालिका के कर्मचारी हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 मई जब से जब यात्रा शुरू होगी तो उत्तराखंड
कि जब रुद्रप्रयाग केदारनाथ की जो यात्रा शुरू होगी, बद्रीनाथ की जो यात्रा शुरू होगी, मुख्य पड़ाव है गंगोत्री के बाद जो है केदारनाथ धाम पे जाने पर, और एक यात्री जो है यात्रा करते हैं और बद्रीनाथ की तरफ आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट की जिस तरह से जो धजियां रुद्रप्रयाग में उड़ रही हैं। पुष्कर देखिए, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है पीसीआर द्वारा कि बीजेपी विधायक शैलरानी रावत हैं, उनको हम कॉल कर रहे थे बार बार, तो उन्होंने हमारा कॉल तो उठाए नहीं, नंबर ही बंद कर दिया। ये देखिए बिल्कुल जिम्मेदारी जिसकी है विधायक, और वो ऐसा कर रहे हैं, उम्मीद किससे, आखिर किससे हम उम्मीद करें, किससे जवाब मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि यदि विधायक हो चाहे आपका कोई भी अधिकारी हो, यदि किसी का फोन नहीं उठाता है तो केवल हम लोग जो है केवल वोट देने के लायक ही सीमित रह गए हैं। हमारी कार्रवाई जर हमें जो जो मैसेज देना होता है, जो बात करनी होती है, जो धरातल पर हमको दिखता है उसको हम लाते हैं, लेकिन उसके बाद यदि चाहे वो विधायक हो चाहे आपके अधिकारी हो, फोन नहीं उठाते बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि जनता की आवाज है हम, क्योंकि विपक्ष किसी का रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम बार बार फोन करेंगे, हम बार बार जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम बार बार उसी जगह जाएंगे, वही तस्वीरें दिखाएंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर कितना काम हुआ है ये पूरे उत्तराखंड के सामने हम रखेंगे, क्योंकि यहीं से गंगा निकलती है, यहीं से गंगा की शुरुआत होती है, और गंगा के हालात जो है यहाँ पर कैसे है ये हम दिखाएंगे, कि इस प्रोजेक्ट पर जो करोड़ों रुपए का फंड अब तक खर्च हुआ है, जिसमें जैसा कि पुष्कर आप भी बता रहे थे कि अभी तक इतना सा भी काम नहीं हुआ है, घाटों का निर्माण कराया गया, वो घाट भी खंडर हो गए हैं, उन खंडरों का क्या किया जाए, वो खंडर खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, डबल इंजन की सरकार जरूर है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो पाता है। सड़कों की अगर मैं बात करूं, जो रुद्रप्रयाग का जो एरिया है, सड़कों से लेकर बिजली से लेकर पानी से लेकर बहुत बुरे हाल हैं। ये तो घाट के हाल हमने इसलिए दिखाए कि क्योंकि यहाँ पे जो है चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी सरकार के जो मुआयदे हैं, चाहे आपका शैलरानी रावत हो, चाहे आपके भरत चौधरी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे आपके बसरते यहाँ पे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस से हैं, फोन नहीं उठाया है, लेकिन कोई क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा केवल इतना ही आग्रह है, इतना ही वो है कि यदि कोई आपको फोन करे, यदि आपसे कोई वार्ता करना चाहे आप फोन जरूर पिकअप करें, चाहे जिला अधिकारी हों, चाहे वो शैलरानी रावत जी हों, चाहे भरत चौधरी हों, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हों, लेकिन धरातल पे जो खंडर पे जो आपने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट दिखाया, तो आप लगा सकते हैं कि जो सड़क से केवल 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, तो इसके ये हाल हैं। और यदि बिल्कुल यदि मैं और हम लगातार लगातार आवाज उठाते रहेंगे, हम उन जिम्मेदार अधिकारी जो कि कुमकर्णी नींद सोए उन्हें जगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल पुष्कर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जहां पर आज इस मुद्दे को हमने उठाया, आसपास की जो जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जो उन्हें समस्याएं हो रही हैं वो बताने की कोशिश की, जिम्मेदार अधिकारियों को फोन भी मिलाया, बात करने की कोशिश की, लेकिन सब ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे, कल फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।